जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में बीपीटी करें या फिर बीएससी नर्सिंग करें, दोनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, लड़कों के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। साथियों, आज की वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको बीपीटी करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि हमें बीपीटी करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। साथियों, ये जो हम डिसीजन ले पाते हैं, ये डिसीजन ले पाते हैं कि हम इन कोर्स को करने के बाद में हमें कहां कहां पर जॉब मिलने वाली है, क्या क्या हमारे पास कैरियर ऑप्शंस होंगे, कितना हमारा सैलरी पैकेज रहेगा, तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों, यदि हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग सेम होती है। बीपीटी आपका 4.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4 साल आपको पढ़ाई कराई जाती है और 6 महीने क्या होती है, इंटर्नशिप होती है, यानी किसी भी डॉक्टर के यहां आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जिसका आपको फीस पे नहीं करना होता है, 4 साल की आपकी फीस जाती है। यदि बीएससी नर्सिंग की बात करें तो साथियों, बीएससी नर्सिंग की भी ड्यूरेशन क्या होती है, 4 साल होती है, उसमें आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ड्यूरेशन जो होती है वो 4 साल की ही होती है। अब बात करें साथियों कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो साथियों दोनों ही कोर्सेज के लिए आपने अपना 12th पीसीबी से किया हुआ हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने अपना 12th पीसीबी से किया हुआ हो, और उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब बात करें साथियों एडमिशन प्रोसेस की, तो बीएससी नर्सिंग में नीट का एग्जाम देना कंपलसरी कर दिया गया है। यदि आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। यदि बीपीटी की बात करें तो साथियों बीपीटी में डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है, बीपीटी में आपका नीट के एग्जाम के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है, और यूपी में आपका इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। तो यह है आपकी एडमिशन की प्रक्रिया। अब बात करेंगे साथियों कि बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या फिर आपका बीपीटी बेस्ट है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बीपीटी करें या बीएससी नर्सिंग करें। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीटी करने के बाद आपके पास क्या-क्या कैरियर ऑप्शन होंगे। साथियों, बीपीटी करने के बाद में सबसे पहला कैरियर ऑप्शन है कि आप क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। आप ऑफिशियली अपने नाम के साथ डॉक्टर जोड़ सकते हैं। दूसरा है साथियों, बीपीटी करने के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स क्लिनिक हैं वहां पर कम से कम आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते ही होते हैं, तो आप हॉस्पिटल में और क्लिनिक में एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। तीसरा है साथियों, यदि आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप अपना भी हॉस्पिटल और क्लिनिक खोल सकते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप अपना भी हॉस्पिटल या क्लिनिक चला सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ एडवांटेज, तो फोर्थ एडवांटेज है साथियों, जितने भी आपके गेम्स हैं, फिर चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, कोई भी आपका स्पोर्ट्स है, सभी स्पोर्ट्स में मिनिमम आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते ही होते हैं। क्योंकि जब किसी भी प्लेयर के इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है तो ऑन फील्ड जो आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के थ्रू दिया जाता है, जिससे कि वो प्लेयर फिर दोबारा से खेल सके। तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वो सभी अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी रखते हैं। बात करें साथियों, जहां पर भी आपका बात आती है हेल्थ सेक्टर की, तो वहां पर आपका फिजियोथेरेपिस्ट जरूर आते ही आते हैं। जैसे हम बड़े बड़े शहर में बात करें, जो बड़ी बड़ी जिम होती है वहां पर जो ट्रेनर होते हैं वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ही मिलेंगे। तो और भी बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शन है, यानी कि यदि आप बीपीटी करते हैं तो बीपीटी का आज की डेट में बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जॉब है वो सिटिंग की जॉब है, तो किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी की बाजू नहीं उठ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, घटने का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। अब बात करते हैं साथियों बीएससी नर्सिंग की। यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो साथियों बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं सभी में जो डॉक्टर होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं, तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो कौन होते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं। तो यानी कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता होती है, नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स की आवश्यकता होती ही होती है, उसमें फिर चाहे वो ANM, GNM या फिर बीएससी नर्सिंग। तो याद रखिएगा साथियों, बीएससी नर्सिंग यदि आप करते हैं तो कभी भी आप सीनियर डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, तो आप क्या रहेंगे, जूनियर ही डॉक्टर रहेंगे, यानी डॉक्टर के आप असिस्टेंट ही रहने वाले हैं।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बीपीटी करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। यदि मेरे अकॉर्डिंग हम बात करें तो साथियों, मेरे अकॉर्डिंग आप बीपीटी करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें कि सबसे ज्यादा जॉब किस में आती है, तो साथियों वो आती है बीएससी नर्सिंग में। लेकिन यदि हम पोजिशन की बात करें या जॉब ऑप्शन की बात करें तो वो आपके बीपीटी में ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग यदि आपको करना है तो उसमें आपके जॉब के ऑप्शन ज्यादा होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो किसकी होती है, नर्सेस की होती है, या आपके जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं उनकी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं यदि आपको जॉब जल्दी चाहिए। और यदि हम बीपीटी की बात करें तो बीपीटी वाले जो डॉक्टर हैं उनकी एक अपनी पोजीशन होती है, वो एमबीबीएस वाले डॉक्टर के साथ में बैठते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, ऑफिशियली डॉक्टर होते हैं। और बीएससी नर्सिंग वाले कभी भी ऑफिशियली अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं जोड़ सकते। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप मेरी बात से कितने सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।